डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव रंजन, पेडियाट्रिशियन एट नोएडा, निदान मदर एंड चाइल्ड केयर। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर इस वीडियो में आया हूँ जो कि आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माँ यही पूछती है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए वो आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कॉमन मेडिसिन लिख दीजिए। कोई अब्रॉड जा रहा है, वो भी कहता है डॉक्टर साहब हमें घर में क्या मेडिसिन रखनी चाहिए। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ आपके घर पर होनी चाहिए, बिकॉज कभी लेट नाइट आपके बच्चों को दिक्कत आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हमारे बच्चों में होता है कि अचानक बच्चों को कभी बुखार आ जाता है, तो पैरासीटामोल ड्रॉप्स जरूर आपके पास होने चाहिए, या कैलपोल, क्रॉसिन, डोलो, T98 के नाम से आता है। किसी भी प्रकार का ड्रॉप रखें, उसकी डोजिंग सेम होती है। बच्चों में हम 15 mg/kg पर डोज के हिसाब से ये दवा देते हैं। तो आप इन ड्रॉप्स में से कोई भी ड्रॉप अपने घर पर रखें, बच्चे को बुखार के वक्त में ये दवा दे सकते हैं, और आप इंतजार कर सकते हैं कि अगले दिन आप अपने चिकित्सक से सलाह ले सकें। पैरासीटामोल ड्रॉप्स के अलावा आप बच्चों को हाई फीवर में पानी की पट्टी यानी स्पॉन्ज भी कर सकते हैं, इससे भी तापमान में राहत मिलती है और बच्चे को तापमान कम हो जाता है। इन बातों का ख्याल रखें जब भी बुखार हो आपके बच्चे को। छोटे बच्चों में, खास करके नवजात बच्चों में या 6 महीने से छोटे बच्चों में, नोज़ ब्लॉकेज की समस्या बहुत होती है। नोज़ ब्लॉकेज के लिए आपके पास नॉर्मल स्लाइन ड्रॉप्स होने चाहिए, यह भी नेजोक्लियर, नेजोवियन के नाम से आता है, जो कि आप अपने घर में रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे को ये नाक खोल जाए और उसे ब्लॉक नोज के सहारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप अपने बच्चे के चेस्ट पे घी रबिंग भी कर सकते हैं, इससे भी बच्चों को आराम मिलता है। यह घरेलू उपचार काफ़ी फायदेमंद होते हैं, आप इसको इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर हम ब्रीदिंग के बाद, नोज़ ब्लॉक के बाद बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को रात को होती है कॉलिकी की। उसके लिए सामेथिकॉन ड्रॉप्स आते हैं, जो कि कॉलिकैट के नाम से ज़्यादा मशहूर है, डी कॉलिक या हमारा गैस्टिका, ये भी 2-3 नाम है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। इस ड्रॉप को आप 0.5 ml 3 times 8 घंटे के उपचार पर दे सकते हैं। इसको पिलाने के बाद उसको बॉपिंग करेंगे तो बच्चे को गैस में तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा घरेलू उपचार की अगर मैं बात करूं, तो आप बच्चों के लोअर बेली पे हींग लगा सकते हैं। ये काफ़ी सफल और काफ़ी प्रचलित घरेलू उपचार है जो माँ करती हैं और उनको आराम भी मिलता है। बच्चों के पैरों की मूवमेंट कभी करने से गैस में राहत मिलती है। गैस के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक कोल्ड की भी मेडिसिन की हमेशा आवश्यक होती है, और माँ अक्सर करती है डॉक्टर साहब कोल्ड कफ की दवा दे दे। कफ़ की दवा तो हम जल्दी रिकमेंड नहीं करते, बट कोल्ड के लिए आपके पास मैक्स्ट्रा या सिनारेस्ट नाम की ड्रॉप्स आती है, जो कि क्लोरफेनियामिन मेलिएट CPM कंपोजिशन से आती है। ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि उसको कोल्ड में, सर्दी में राहत मिले। हमारे अक्सर बच्चों को रात को कभी लूज मोशन या वॉमिटिंग हो जाता है, तो आपके घर में पेडियाट्रिक ORS सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने घर में नियमित रूप से रखें। कभी भी बच्चों को अचानक अगर लूज मोशन हो या वॉमिटिंग हो, तो बच्चे को तुरंत रिहाइड्रेट करने के लिए ORS का प्रयोग करें। ORS तुरंत बच्चे को ताकत देती है, एनर्जी देती है, और बच्चा डिहाइड्रेशन से बचता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी दवाइयों को हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट जो इमरजेंसी हेल्थ की दवाइयाँ हैं, उसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा करी, जिसमें बुखार, सर्दी, नोज़ ब्लॉक, गैस शामिल है। एक दर्द की भी समस्या बच्चों को होती है, अचानक पेट में दर्द हो जाते हैं। इसके लिए छोटे बच्चों में जैसे कॉलिकैट दे सकते हैं, बड़ों बच्चों में डाइसाइक्लोमिन सिरप्स आते हैं, जैसे साइक्लोपाम, मेफ्टलिस्पास, ये भी आप अपने घर पर रख सकते हैं। इससे हमारे बच्चों को तुरंत दर्द में राहत मिलती है। इसके बाद अगर ये समस्या आपको सॉल्व नहीं होती है, तो अगले दिन आप अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, उनसे परामर्श लेकर ही आगे किसी भी दवा का प्रयोग करें। हमें एंटीबायोटिक से बचना चाहिए, हमें अपने बच्चे को अपने शरीर से प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करनी चाहिए। घरेलू उपचार पे ज़्यादा ध्यान दें, नेचुरल इम्यूनिटी पे वर्क करें। अगर आप अपने बच्चे पे नियमित रूप से उसके हाइड्रेशन, बैलेंस प्रोटीन डाइट अगर देते हैं और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं, आपको अक्सर ऐसी समस्याएँ नहीं होगी और विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने में उसको मदद मिलेगी और वो एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। आप सब मिल करके हमारा हाथ में मजबूती दें, जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज की संरचना कर सकें। थैंक यू।